आइए जानते हैं जीवाणु खाद के बारे में। जानकार कहते हैं कि जीवाणु खाद के सूक्ष्म जीवी मिट्टी में पहले से मौजूद अघुलनशील फास्फोरस और अन्य पोषक तत्वों को घुलनशील अवस्था में बदल देते हैं ताकि पौधे या फसल उन्हें आसानी से हासिल कर सके। इसके प्रभाव से बीजों का अंकुरण जल्दी होता है, पौधों की टहनियों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। झारखंड की जो मिट्टी है ये काफ़ी अम्लीय मिट्टी है और इसको तेजाबी मिट्टी भी आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। ये इस मिट्टी की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक सारी गुणवत्ता अदर जितने अदर मिट्टी होते हैं उनसे काफ़ी कम होती है। तो इसलिए झारखंड के किसानों के लिए अम्लीय मृदा में सुधार के लिए लाइम या चूना के उपचार के अलावा अदर रासायनिक उर्वरक की बात करते हैं तो उसके साथ साथ हम जैविक खाद के बारे में इसलिए बातें करते हैं क्योंकि इस मिट्टी में नेत्रजन यानी नाइट्रोजन, स्फूर यानी फास्फोरस, ये सारी की काफ़ी कमी होती है। और नेत्रजन और स्फूर जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं पौधों के लिए। तो इस पोषक तत्वों का जब जीवाणु खाद के प्रयोग से इन पोषक तत्वों के जो मृदा में जो क्वांटिटी है उसमें वृद्धि होती है जिससे पौधों का विकास और उनकी उनकी जो जितनी जो सामान्यतर किसानों को जितनी उपज होती है उससे 10 से 15 से लेके अब तो 50% तक की वृद्धि हम देखते हैं। तो इसलिए मैं किसान भाइयों को जीवाणु खाद के उपयोग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। सब्जियों की खेती में जैविक खाद का उपयोग बहुत अच्छे से किया जा सकता है जिसमें जो जैविक खाद में जब हम सब्जियों की बात करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा जो जैविक खाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो होता है एजोटोबैक्टर, जिसका एक कल्चर जिसको कल्चर उसके अंदर एजोटोबैक्टर के जीवाणु जो होते हैं वो विभिन्न सरकारी तंत्रों के पास उपलब्ध है। साथ ही साथ हमारी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत भी बहुत सारे एजोटोबैक्टर और राइजोबियम और विभिन्न प्रकार के पौधों के लिए वो कल्चर उपलब्ध है। तो किसान भाइयों से उसको लेके अपने खेतों में उपचार करने के बाद जिन लोगों ने उपयोग किया है सब्जियों में हमने देखा है कि 10-15% की वृद्धि हुई है। तो इससे पौधों में नेत्रजन को बढ़ाने के लिए एजोटोबैक्टर का उपयोग करते हैं, साथ ही साथ स्फूर को बढ़ाने के लिए PSB फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जो हमारे मृदा में जो फॉस्फोरस होता है जब हम उपचार करते हैं तो उसका 10-15% ही जो स्फूर होता है वो पौधों को के उपयोग में आता है। बाकी जितने भी अम्लीय मृदा होने के कारण बाकी जो भी फॉस्फोरस होते हैं वो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट होता है जो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं जो पौधों को उपलब्ध नहीं होते। कि हमने इसकी उपयोगिता बता दी, किसान भाइयों को उपज बढ़ाने के लिए बता दिया, लेकिन इसके साथ सावधानियां मैं ये बताना चाहूँगी, अगर तो आप राइजोबियम का कल्चर उपयोग करते हैं या कोई भी कल्चर उपयोग करते हैं तो उसके पैकेट पे जो निर्देश लिखे हुए हैं आप उनका सह पालन करें। आप ये देखें कि जो भी आप कल्चर खरीद रहे हैं वो फ्रेश होना चाहिए, उसका एक्सपायरी डेट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उसके जैसे निर्देश है वैसे ही पालन करें। साथ ही साथ आप इनमें जीवाणु खाद की एक विशेषता ये है कि एक ही जीवाणु खाद हर पौधे में नहीं जाता, तो इसलिए आप देखिए उस पौधों के लिए वही जीवाणु खाद उपयोग में है या नहीं, तो आप वैसे ही उसका चुनाव करें और उसके बाद आप उनको अपनी मिट्टी में डालें। और मेरे हिसाब से इससे जीवाणु खाद के उपयोग से किसान भाइयों को बहुत बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।